हाँ जी बेटा, आप देखें आवाज, आप लोग बोलेंगे। अच्छा बेटा, आपकी आवाज आई थिंक हमारे तक नहीं आ रही। टाइप आप लोग करते जाएंगे बेटा, कोई भी क्वेश्चन है आप लोग टाइप करते जाएंगे, ठीक है। अब बेटा दोबारा देखें, हमने कहा कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में, आइसोटोप दो तरह के होते हैं, एक आइसोटोप नेचुरली अकरिंग होती है, एक क्या होंगे आर्टिफिशियल है। नेचुरली तौर पर 280 आइसोटोप है, उन 280 आइसोटोप में से 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं, विच प्रोड्यूस रेडिएशन नेचुरली, और ऐसे तमाम तरह आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 82 होगा, देन क्या हो जाएगा उनका ग्रेटर देन अगर 82 एटॉमिक नंबर है तो उसे नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स कहेंगे। और ऐसे तमाम तर आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन 82 होगा वो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट बेटा देखिएगा, एक और चीज नेक्स्ट देखेंगे कौन सी चीज है। अब वो एक इसमें नोट बना के लिख लेंगे या बुक के अंदर दिया हुआ भी है लेकिन ढूंढना पड़ेगा वो क्या चीज है। कि अब इन 280 आइसोटॉप्स में से बेटा सुनेंगे, इन 280 आइसोटॉप कुछ एक ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर बेटा क्या होगा, इवन होगा, इवन में होगा, और जिनका एटॉमिक नंबर और एंड मैस नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर बेटा क्या होगा, मैस नंबर ऑड में होगा। अब दो तरह के आइसोटॉप्स हैं, एक ऐसे आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर बेटा एटॉमिक नंबर या मैस नंबर इवन में होगा, और दूसरे ऐसे आइसोटॉप जिनका एटॉमिक नंबर या मैस नंबर ऑड में होगा बेटा। अच्छा बेटा, आप लोग अपने क्वेश्चन क्या करेंगे, टाइप करेंगे, ठीक है। टाइप करके आई थिंक यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप अपने क्वेश्चन कोई भी हो बेटा टाइप, या समझ आ गया तो फौरन टाइप करेंगे, ठीक है, या रेज हैंड करेंगे बेटा, ठीक है। रेज हैंड करके क्वेश्चंस आप लोग अपना टाइप करके उसमें भेज देंगे इनबॉक्स में, यहाँ पे स्पेशल बंदा बैठा हो जो मुझे कन्वे करेगा वो आपका मैसेज, ठीक है। अच्छा बेटा, अब हमने कहा 280 आइसोटॉप्स जो नेचुरली तौर पर हैं इनको दो हिस्सों में, क्यों, इन 280 आइसोटॉप में इवन नंबर एटॉमिक नंबर वाले भी एटम मौजूद हैं और ऑड नंबर वाले भी एटम क्या है, मौजूद हैं। अब बेटा ध्यान में रखना, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है वो क्या होंगे, ग्रेटर नंबर में पाए जाएंगे, ग्रेटर नंबर हो गए उनकी, ग्रेटर आइसोटॉप्स रखते हैं, और जिनका एटॉमिक नंबर बेटा ऑड है उनके लेस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होंगे, लेस नंबर ऑफ आइसोटॉप्स होंगे बेटा। अब बेटा देखें, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया इसको, हमने कहा कि 280 आइसोटॉप में से 40 आइसोटॉप्स क्या होंगे, रेडियो एक्टिव, 240 आइसोटॉप्स क्या होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव, और जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है वो रेडियो एक्टिव है, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वो क्या होंगे, नॉन रेडियो एक्टिव है। फिर हमने कहा उन्हीं 280 आइसोटॉप में दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, यानी 280 आइसोटॉप्स के अंदर जो एटम है उनका क्या हुआ, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर इवन भी हो सकता है और ऑड भी, जिनका इवन होगा तो उनके आइसोटॉप्स की तादाद ज्यादा होगी और जिनका ऑड होगा उनके आइसोटॉप्स की तादाद क्या होगी, कम। अब इन 280 यानी क्या होगा, आइसोटॉप में से 154 आइसोटॉप्स इवन वाले होंगे, 154 आइसोटॉप्स इवन वाले होंगे, और बाकी जो होंगे 1 यानी 54 आइसोटॉप्स, 154 154 बाकी आप देखिए कितने आइसोटॉप बनते हैं, आई थिंक 120, कितने बनते हैं 126। अब बाकी आपका देखें तो क्या बनते हैं, 126 आइसोटॉप्स ऑड वाले हैं, यानी इट मीन इवन वालों की तादाद ज्यादा है और ऑड वालों की तादाद क्या होगी बेटा, लेस होगी। क्लियर। अब बेटा आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स की तादाद, बेटा एटॉमिक नंबर और मैस नंबर अगर इवन है तो आइसोटॉप्स की तादाद ज्यादा है, 280 में से 154 आइसोटॉप्स इवन एटॉमिक नंबर मैस वाले होंगे और 126, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, 126 क्या होंगे, एटॉमिक नंबर जिनका ऑड होगा मैस नंबर ऑड होगा उनकी तादाद ये होगी। हाँ जी बेटा क्लियर, रेज हैंड कर देंगे बेटा,
अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में बेटा देखिए आप लोग कितनी चैटिंग करते होंगे, ठीक है, तो चैट बॉक्स में लिख के कर दें। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, देखें बहुत अच्छे बच्चे। तीन का आ गया। युसरा बेटा आप भी थोड़ा सा हाथ खड़ा कर देंगे, ठीक है, ठीक है बेटा, उसमें जितनी एनर्जी होगी मैं मामा पापा को आपके कह दूंगा, एनर्जी दे देंगे वो खाने पीने की चीजों में। हाँ जी, अब 200-300 आइसोटॉप्स यानी क्या होंगे, आर्टिफिशियल। अच्छा बेटा, हंसाने का मकसद होता है कि आप फ्रेश हो जाएं ताकि हम उसको आगे फिर पढ़ें तो ताकि आप फ्रेश रहें, ये मकसद नहीं होता कि आपको टीज कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रेश करके, मेरी आदत है मैं हंसा के पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो इसलिए हंसा के ही पढ़ाऊंगा। सर आपने इसकी डिफाइन बतानी, वो ठीक है बेटा, तहरीम फातिमा मैं एंड पे लिख देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं पूरी लिख देता हूँ। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स यानी हाउ मेनी आइसोटॉप्स, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स विच इज प्रेजेंट, ये डेफिनेशन लिख लें, बल्कि ये वाली, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स लिखो बेटा, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज, द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स, द नंबर ऑफ आइसोटॉप विद रिस्पेक्ट टू, यानी द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर, क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। इज इट क्लियर तहरीन? तहरीन बेटा अब लिख लिया तो हाथ आपने ऐसे खड़ा कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी समझ आ जाए। हाथ खड़ा करना है, चलें, ओके जी। अब हम आर्टिफिशियल आइसोटॉप सामने पढ़े बेटा, शाबाश, अब शाबाश। अब देखिए आर्टिफिशियल आइसोटॉप पढ़े तो 300 आइसोटॉप्स आर्टिफिशियली तौर पर अकर करती हैं। अब इनके बारे में कुछ एक बेटा मेन पॉइंट है, अब याद यही करना है। बुक में ना इतना कंफ्यूजन किया हुआ है, उसने काज की हुई है, कभी क्या लिखा हुआ है, कभी क्या लिखा हुआ है, कभी कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है, आपने इसी तरह लिखना है, याद इजी हो जाएगा आपके लिए। तो देन क्या होगा बेटा, इसके बाद, देन इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, अच्छा जी, इसके बाद आइसोटॉप्स के लिहाज से तादाद देखेंगे बेटा, आइसोटॉप्स के लिहाज से तादाद देखेंगे। अब पहला आइसोटॉप्स के लिहाज से पहली तादाद देखें तो जो इवन वाले हैं वो ज्यादा है, ऑड वाले क्या होंगे, कम होंगे। और दूसरा देखना, ऐसे तमाम तर एटम सुनेंगे जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होगा, ऑड एटॉमिक नंबर होगा बेटा उनके आइसोटॉप्स के, ऑड एटॉमिक नंबर उनके आइसोटॉप्स की तादाद 2 or less than 2 होगी, 2 or less than 2, कभी 2 से ज्यादा नहीं होगी। जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होंगे उनके आइसोटॉप्स की तादाद 2 से ज्यादा नहीं होगी बेटा। अब एक दूसरा बेटा, ऐसे तमाम तर एलिमेंट सुनेंगे, ऐसे तमाम तर एलिमेंट जिनका मैस क्या होगा, मैस मल्टीपल ऑफ 4 होता है। अब मैं समझाता हूं बेटा, मल्टीपल ऑफ 4 हो उनके आइसोटॉप्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है, अबंडेंटली तौर पर एग्जिस्ट करेंगे सबसे ज्यादा तादाद में। अब मैंने बेटा क्या कहा, 2 स्टेटमेंट लिखी, एक जिनके एटॉमिक नंबर ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होंगे उनकी तादाद 2 से ज्यादा होगी, यानी ऑड वाले जितने भी आइसोटॉप 126 एटॉमिक नंबर वाले यानी 126 आइसोटॉप्स हैं उनकी तादाद कभी भी 2 से ज्यादा, हर एलिमेंट के आइसोटॉप 2 होंगे। इसका मतलब यह है हर एलिमेंट के आइसोटॉप की तादाद 2 होगी या 2 से कम होगी। अब लेकिन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर मल्टीपल ऑफ 4, एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4, बेटा इधर देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं बेटा देखें, आप लोगों ने पढ़ा के ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 16, अब ये मल्टीपल ऑफ 4 क्या है, 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, इज इट क्लियर, यानी मास जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 में आ रहा है, ठीक है बेटा। एक दूसरा क्या होगा बेटा, यानी इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन के बाद सल्फर, या इससे पहले एक और भी एलिमेंट देख, चलें सल्फर से पहले एक और एलिमेंट देखते हैं जिनमें आता है बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का 24 मास है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसको यानी 24 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 6, यानी इट मीन ये 6 का 4 मल्टीप्लाई है, यानी इसका देखिए 16 अगर देखें तो 4 का 4 मल्टीप्लाई है,
24 क्या है, 6 का 4 मल्टीप्लाई है, यानी 4 का मल्टीपल आ रहा है। इसी तरह से बेटा सिलिकॉन 28 क्या होगा, ये 7 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 24 आएगा। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट है कैल्शियम, 40 मास होता है तो ये 10 का 4 मल्टीप्लाई है। तो ऐसे तमाम तर एलिमेंट जिनका मास 4 के मल्टीपल में आ रहा, जिनका मास क्या हो रहा बेटा 4 के मल्टीपल में आ रहा हो, तो उनकी तादाद बेटा ज्यादा होती है। उनकी तादाद क्या होगी, ज्यादा। इज इट क्लियर? हां जी बेटा, अगर समझ आ गई तो हैंड रेज करेंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, शाबाश। दो रह गए, कंजा शाबाश, युसरा। बेटा आप न्यू हो तो मे भी आपको पता ना हो कि कैसे हैंड रेज करते हैं या किस तरह से, चले ऐसा ऐसा सीख जाओगे बेटा। अब इधर देखिए, नेक्स्ट है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अब न्यू टॉपिक है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। जी बेटा क्वेश्चंस क्या है आपका? युसरा सर ये मल्टीपल ऑफ 4 दोबारा समझा दे। अच्छा बेटा देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 क्या होगा बेटा, एटॉमिक मास है 16 तो 4 का मल्टीपल है कैसे, 4 द 16, 24 एटॉमिक मास है 24 मैग्नीशियम का तो 6 4 द 24 बनता है। अब सिलिकॉन 28 है तो कैसा क्या बनेगा, 7 4 द 28 बनेगा। कैल्शियम 40 है तो बेटा कितना बनेगा, 10 4 द मल्टी, यानी क्या होगा 40, इट मीन मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इज इट क्लियर युसरा? बेटा जल्दी से टाइप करो। युसरा बेटा शाबाश, टाइप करके भेजना है आपने। अच्छा जल्दी से टाइप करके भेजें ताकि मैं नेक्स्ट पढ़ा सकूं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये हैंड रेज कर दो जल्दी जल्दी बेटा। यस सर, थैंक यू सो मच, वेलकम बेटा। ठीक है, आपका हक बनता है पूछना। अब मैस स्पेक्ट्रोमीट्री क्या है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक है, ये बहुत ध्यान में रखिएगा, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री टेक्निक है। अब मैं इसको यहीं से डिफाइन करूंगा बुक की वर्डिंग। इसमें जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर। जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। बेटा आज मैं इसकी डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायग्राम भी इनकम्प्लीट है, आपने कंप्लीट डायग्राम बनानी होगी। यहां बुक के अंदर दिया हुआ यानी प्रोसीजर मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमीटर का है, लेकिन इसकी टाइप डेम्पस्टर का दिया हुआ है डायग्राम, तो हम मॉडर्न बनाएंगे। ठीक है, तो हम अच्छे बच्चे हैं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो तो बनाएंगे, मैं तो बुजुर्ग आदमी। मैस स्पेक्ट्रोमीटर बेटा अब देखना, मैस स्पेक्ट्रोमीटर मैस को फाइंड करना है, यानी हमने ये क्या करना है, फाइंड करना है, और करना भी एग्जैक्ट है। किस चीज का, आइसोटॉप्स का, एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड करना है, एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप, यानी आइसोटॉप्स की मास को फाइंड करना है। अब मास का वर्ड फाइंड के लिए निकला है, इसका मतलब हमने क्या लिखा यहां पे, मास को यहां से देखें, मास स्पेक्ट्रोमीटर एग्जैक्ट एटॉमिक मास फाइंड करता है, लेकिन करता कैसे है, देखिए मैंने लिख दिया मैस स्पेक्ट्रोमीटर एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट फाइंड करता है। अब देखना यह करता कैसे है, तो करता कैसे बेटा देखिए, द वर्ड स्पेक्ट्रो इज ड्राइव फ्रॉम स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम किस चीज को शो करता है, ग्राफ को। और बेटा ग्राफ में दो क्वांटिटी होती है, एक इंडिपेंडेंट और एक क्या होती है, डिपेंडेंट। यहां पर जो होगी बेटा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उसमें एक होगा परसेंटेज अबंडेंस, यानी कितने परसेंट वो आइसोटॉप पाया जाता है, रिलेटिव अबंडेंस कितने परसेंट पाया जाएगा। दूसरा, और दूसरा क्या होगा, उनके एटॉमिक मास भी, यानी ये जो ग्राफ बनेगा वो मास भी खुद ब खुद आ जाएगा और उसकी परसेंटेज भी आएगी कि वो आइसोटोप कितने परसेंट पाया जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए बेटा हमने क्या लिखा, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है जो कि एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप निकालता है, आइसोटॉप्स के एटॉमिक मास को बेटा एग्जैक्ट निकालता है, लेकिन किस तरह, स्पेक्ट्रो करना, स्पेक्ट्रम से निकला है, ग्राफ बनाना, ग्राफ किस चीज के दरमियान है, परसेंटेज अबंडेंस और एटॉमिक मास के दरमियान है बेटा। और मीटर का मतलब क्या होता है बेटा, मेजरमेंट। तो बेटा कंप्लीट डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या, इट इज द इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस है,
इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मैयर. अब एग्जैक्ट देखे, उल्टा पढ़ेंगे डिफाइन बनेगा. मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मैयर द एग्जैक्ट एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज अबंडेंस. बुक में बेटा परसेंटेज अबंडेंस का वर्ड नहीं है, ये लिखेंगे आपको. क्लियर? क्या होगा बेटा, दोबारा देखें. परसेंटेज मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? यानी द डिवाइस विच इज यूज टू मैयर. मैयरमेंट करना, मैस स्पेक्ट्रोमीटर एग्जैक्ट एटॉमिक मैस मैयर करता है. कैसे मैयर करता है? परसेंटेज अबंडेंस भी निकालता है कि वो आइसोटोप कितने परसेंट है, और एटॉमिक मैस भी निकालता है बेटा, और कितनी उसकी मैयरमेंट. मीटर मीन मैयरमेंट, यानी मैयरमेंट ऑफ एग्जैक्ट एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज अबंडेंस. क्लियर बेटा? हाथ खड़ा करेंगे जल्दी जल्दी जिसको क्लियर हो गया. तो बेटा साथ साथ लिखेंगे भी. शाबाश फायजा, शाबाश. ठीक है बेटा, शाबाश तहरीम और कंजा आप और सामिया बेटा आप भी कर सकते हैं. युसरा आप भी बेटा, शाबाश. गुड, युसरा ने कर दिया, शाबाश. हाँ जी, नेक्स्ट सामिया बेटा. बेटा हाथ खड़ा करेंगे. बेटा सोए हुए तो नहीं है? यकीन माने मैं लोरिया नहीं देता बिल्कुल भी. ठीक है, मेरी आवाज भी इतनी प्यारी नहीं है कि आपको नींद आ जाए. ठीक है, चले करते हैं. अब क्या होगा बेटा, मैस स्पेक्ट्रो, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं. मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस है, उसका काम क्या है? मैयरमेंट करना. उसका काम है मैयर करना. अब बेटा मैयर क्या करना है? एग्जैक्ट एटॉमिक मैस ऑफ आइसोटोप और उसकी परसेंटेज, यानी एटॉमिक मैस और उसकी परसेंटेज अबंडेंस भी बेटा क्या करता है? फाइंड करता है. क्लियर? अब बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर तीन टाइप के हैं. आखिर में ये छोटी सी, बल्कि ये बाद में लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं. मिनट है, एक मिनट है. अच्छा बेटा एक मिनट में ये हो ही नहीं पाएगा. चलें मैं टाइप के नेम लिख देता हूं, कल मुझे बताना है आप लोगों ने. ठीक है, टाइप, बल्कि छोड़ें, हम बाद में पढ़ लेंगे. ठीक है बेटा, अब ऐसा करें कि आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा. शाबाश, आप चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करेंगे. अच्छा क्लियर है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, शाबाश बेटा. और बेटा कल जो है ये ध्यान में रखिएगा, कल हम जो पढ़ेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है. और बेटा इसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपके सामने, आप लोग भी वैसे कोशिश करेंगे बनाएंगे और उसे बुक से साथ लगाएंगे. इनकम्प्लीट है, जब आप कंप्लीट डायग्राम बनाते हैं तो चेक करने वाला बड़ा खुश होता है और नंबर पूरे दे देता है. क्लियर? हाथ खड़ा करेंगे, शाबाश जल्दी जल्दी. शाबाश. हाँ जी बेटा, कंजा आप भी कसम तोड़ दो, सामिया आप भी बेटा, शाबाश. और सामिया आपने बेटा, आपको समझ आई है? ठीक है. और युसरा, ओके बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज. और ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम कल इसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे.